हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट एंड बैटमैन का सेकंड इशू, जिसमें हम देखेंगे टिम ड्रेक डिक ग्रेसन जो कि अब बैटमैन बन चुका है, और डैमियन वेन यानी कि ब्रूस वेन यानी कि असली बैटमैन का बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही यूनिक और अनोखे कंटेंट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं गौतम सिटी में, जहाँ पर ब्लैक लैंटर्न्स अलग अलग जगह जाकर अलग अलग इमोशनल स्पेक्ट्रम के साथ लोगों का दिल निकालकर उनके साथ पावर लेवल एब्जॉर्ब कर रहे थे। जैसे कि विल पावर से उनकी पावर लेवल हो चुकी थी 46.65%, कंपेशन से हो चुकी थी 46.69%, रेज से हो चुकी थी 46.75% और फियर से 46.77%। और इन सभी ब्लैक लैंटर्न विलन्स ने गौतम सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी अपना कब्जा जमा लिया था, और साथ ही साथ जिम गॉर्डन और बारबरा गॉर्डन ने बैट सिग्नल ग्लो कर दिया था। इस वजह से बैटमैन समझ चुका था कि वहां पर उसकी मदद की जरूरत है, और इसी के लिए वो मदद लेने के लिए एक जगह पर जा रहा था, जहां पर वो सीवर से भागते हुए उसके साथ डैमियन और डेडमैन दोनों थे, जहां पर डेडमैन एक दीवार के अंदर घुसता है और उसी दीवार पर एक बॉम्ब फिट करके वो उस दीवार को उड़ा देता है, और अंदर पहुंचकर वो वहां के सारे फायर आर्म्स लेने लगता है। ये देखते हुए डैमियन कहता है, यह हुई ना कुछ बात, और मैं सोचता था कि गन्स इस्तेमाल करना हमारे रूल लिस्ट के खिलाफ है। और इतना कहकर डैमियन गन उठाने जाता है, लेकिन बैटमैन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं गन्स नहीं, क्योंकि यह ब्रूस की मेमोरी को ऑनर करती है और इसी के साथ हम काम करते हैं, यही हमारा कोड है। हम सिर्फ फ्लेम थ्रोवर्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन डेडमैन और हेल जॉर्डन से मिली है ब्लैक लैंटर्न की, उसके मुताबिक वो पहले से ही मर चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें उन्हें सिर्फ रोकना है, क्योंकि हम उन्हें मार नहीं सकते, और हमें उन्हें रोकना है इनोसेंट पीपल को किल करने से। इस पर डैमियन कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आखिरकार ज़ॉम्बीज को ही मारने वाले हैं। लेकिन डैमियन से बैटमैन पूछता है कि तुम्हें किस तरह की फायर आर्म्स की ट्रेनिंग दी गई है। इस पर डैमियन कहता है, अगर तुम सीरियस हो तो सुनो, मेरे माँ ने जब मुझे बायोट्यूब से निकाला तब मैं 7 साल तक सिर्फ सुबह उठकर टारगेट की प्रैक्टिस करता था, और जब मैं 7 साल का हुआ तब कोकोनट और स्किट शूटिंग में माहिर बन गया। जिस पर बैटमैन उसे कहता है, ग्रेट, तुम्हारा चैंपियन का ब्रेकफास्ट तो टालिया अलगुल ने बहुत अच्छी तरह से दिया है, उसे मॉब ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। और आगे वो डेडमैन से कहता है कि हमें किसी प्लान की जरूरत है, हम लोगों को उन विलन्स को सिर्फ डाइवर्ट करके वहाँ से उन बेगुनाह लोगों को बचाना है। और ये सुनते ही डेडमैन उस सीवर से निकलकर पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ डेडमैन को बैटमैन ये कहता है कि याद रखना, हमें सिर्फ डाइवर्ट करना है और वहाँ के बेगुनाह लोगों को वहाँ से सुरक्षित वापस निकालना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बिल्डिंग में, जहाँ पर जिम गॉर्डन और बाकी सारे लोग वहाँ पर ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे, लेकिन ब्लैक लैंटर्न एक तरह के ज़ॉम्बी होने की वजह से मर भी नहीं पा रहे थे, और ना ही उन लोगों को जीने दे रहे थे, एक एक करके वो उन सभी को मार रहे थे। दूसरी तरफ जिम गॉर्डन अपनी बेटी को लेकर एक जगह पर भाग जाता है और कहता है, मुझे माफ करना बारबरा कि मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला, मुझे तभी अंदाजा हो जाना चाहिए था जब ग्रीन लैंटर्न आकर उस सिग्नल पर गिरा। जिस पर बारबरा कहती है, इसमें आपका फॉल्ट नहीं डैड, क्योंकि ये सब होना ही था और आप इसे किसी तरह से रोक नहीं सकते। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक लैंटर्न अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिम गॉर्डन उसे अपने हाथ में रखी गई शॉटगन से फायर करता है, जिस वजह से उसका आधा सर उड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही हील होने लगता है। और ये देखते ही जिम गॉर्डन अपनी शॉटगन उस पर खाली कर देता है, लेकिन फिर भी जिस तेजी से जिम गॉर्डन उस पर फायर कर रहा था उसी तेजी से वो फिर से रिबिल्ड होता जा रहा था, और आखिरकार जब जिम गॉर्डन की गन खाली हो जाती है तब हार मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता। यहाँ पर बैटमैन और डैमियन उस सीवर से बाहर निकलने वाले थे, जहाँ पर बैटमैन अल्फ्रेड से कहता है कि मुझे इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चरल प्लान चाहिए मेरे मास्क इंटरफेस में, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। और अल्फ्रेड वैसा ही करते हुए उसके मास्क इंटरफेस में वो अपलोड भी कर देता है। यहाँ पर सारे विलन्स बैटमैन को ढूंढ रहे थे और साथ ही साथ कह रहे थे कि बैटमैन को अब डार्क में छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैकेस्ट नाइट उस डार्क नाइट को अपने साथ ही एनवलप कर लेगी और इसी के साथ उसका माइटी हार्ट हमारा हो जाएगा। यहाँ पर एक ब्लैक लैंटर्न कह रहा था कि हम सारी सिटी को अपने कब्जे में ले लेंगे, हर एक आदमी, हम सभी को मार देंगे, और इसी के साथ हम फियर, रेज, लव, कंपैशन और विल पावर को भी अपने कब्जे में ले लेंगे, और उनके साथ उनकी सोल को भी। और यहाँ पर बैटमैन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डैमियन के साथ आ चुका था, और आते ही
वो अपने फायर आर्म्स के साथ उन सभी पर हमला करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ अपनी शॉटगन खाली होने की वजह से जिम गॉर्डन पूरी तरह से हार चुका था, और वहीं पर एक ब्लैक लैंटर्न आकर उसे कहता है, इसे मारने से पहले इसके आंखों के सामने इसकी बेटी को मार दो, उसे इस पर बहुत नाज है, अगर हम इसके सामने उसे मारेंगे तो ये जीते जी मर जाएगा और वो उस मैजिकल वर्ल्ड डैडी को नहीं सुन पाएगा, और इसी के साथ इसकी चीख इसके कलेजे को चीर देगी। और इतना सुनते ही वहाँ पर डेड मैन बारबरा गार्डन यानी कि बैट गर्ल के शरीर में घुस जाता है, और तभी वो अचानक से उठकर जिम गॉर्डन के साथ खिड़की से बाहर कूद जाता है और जिम गॉर्डन और बारबरा गार्डन को वो बचा लेता है। यहाँ पर जिम गॉर्डन कहता है, मुझे लगा था कि तुम चल नहीं सकती बारबरा। इस पर बारबरा के अंदर से डेड मैन कहता है, मेरा नाम डेड मैन है गॉर्डो, तुम्हारे डॉक्टर ने अभी जो परफॉर्म किया वो मेरे ही वजह से किया। जिस पर जिम गॉर्डन को याद आता है कि बैटमैन ने उसे कई सालों पहले डेडमैन के बारे में बताया था, जिस पर वो कहता है, तुम्हारी बेटी ने जो किया उसे मैं ही स्पीड अप कर रहा था। जिस पर डेडमैन से जिम कहता है, क्या तुम बारबरा को सेफ रख सकते हो ताकि बाकी जख्मियों को यहाँ से बाहर निकाल सकूं। जिस पर डेडमैन उसे बताता है कि बैटमैन और रॉबिन ने एक डायवर्जन क्रिएट करके पहले ही ये सब कर दिया है, तुम्हें अब बस अपनी बेटी के साथ यहाँ से बाहर निकलना है। दूसरी तरफ यहाँ पर बैटमैन अभी भी उन ब्लैक लैंटर्न को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जितनी जल्द जल रहे थे उतनी जल्द हील होकर उनके पास वापस आ रहे थे, और यही बात रॉबिन बैटमैन को भी बताता है, और ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर टिम ड्रेक आ जाता है। तब हम देखते हैं कि वो टिम ड्रेक एक प्लेन में था और बैटमैन और रॉबिन को बचाने के लिए वो उसी फ्लोर पर अपने प्लेन के साथ उन सभी को जलाने और काटने लगता है, और साथ ही साथ बैटमैन और रॉबिन से कहता है कि अपने सूट में लगाए गए मैग्नेटिक सिग्नेचर हार्नेस ऑन कर दो, और वो ऑन करते ही वो दोनों ही उस प्लेन से चिपक जाते हैं, लेकिन कुछ ब्लैक लैंटर्न्स अभी भी उनके पीछे थे, लेकिन बैटमैन यानी कि डिक ग्रेसन अपना फ्लेम थ्रोवर उस पर शूट करता है, लेकिन वो ब्लैक लैंटर्न उसका फ्लेम थ्रोवर पूरा का पूरा खा लेता है, इस वजह से वो दो टुकड़ों में बट जाता है। यहाँ पर दोनों अंदर चढ़ ही रहे थे कि तभी टिम बताता है कि मुझे अभी भी दो सिविलियंस नीचे दिखाई दे रहे हैं। इस पर बैटमैन देखता है कि वहाँ पर बारबरा और जिम गॉर्डन है, और वो दोनों को ही अंदर ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि बैटमैन और टिम ड्रेक बात कर रहे थे, जहाँ पर टिम कहता है, जब तुमने मुझसे कहा कि यहाँ पर सारे लोग जिंदा हो रहे हैं, तब मैंने गौतम के अलावा भी बाकी सभी शहरों में छानबीन की, तब मुझे ये पता चला कि सारी सेमेट्रीज और सारे ग्रेवयार्ड्स फिर से जिंदा हो रहे हैं, और सिर्फ हमारे माता पिता ही नहीं बल्कि सभी लोग जिंदा हो चुके हैं। अगर हमारे दोनों माँ बाप की कब्र अभी खाली है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो उनमें से एक बन चुके हो, और वो ऐसा कहता ही है कि तभी उस प्लेन पर अटैक होता है, और तब हम देखते हैं कि टिम ड्रेक के माता पिता वहाँ पर थे, जहाँ पर वो कह रहे थे, तुम इस नए हीरो गेटअप में बहुत शानदार लग रहे हो, हमें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी अगर हमने तुम्हारे शिप पर इस तरह से लैंड किया तो, है ना, लेकिन क्या करते, तुम्हें देखे बहुत दिन हो चुके थे, और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर अकेले नहीं आए हैं, हम हमारे साथ मेहमान को भी लेकर आए हैं। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर डिक ग्रेसन यानी कि बैटमैन के माता पिता भी थे, और उसके माता पिता उससे कह रहे थे, तो फ्लाइंग ग्रेसन हमारे पुराने दिन अब वापस आने वाले हैं, हम लोग एक साथ मिलकर सब कुछ करेंगे, लेकिन डिक ग्रेसन उनसे कहता है, नहीं इस बार तो नहीं, और सबसे कहता है कि अपनी सिक्योरिटी हार्नेस टाइट कर लो। और तभी हम देखते हैं कि वो जेट एक सेमेट्री में जाकर क्रैश हो जाता है, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा भी या फिर इस वीडियो में ही अगर कुछ डिटेल्स पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।